वेलकम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्लस वन क्लास का मैथ का टॉपिक और प्लस वन क्लास से हमने मैथ के प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स के टेंजेंट के फार्मूले बेस के क्वेश्चंस किए थे और कोट के बेस के फॉर्मूले किए थे जिसमें आप बोल सकते हो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन टेंजेंट थीटा एंड कोर्ट थीटा आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हमारे पास टू डिफरेंट मैथड के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने मैथड्स और क्वेश्चन देखिए फर्स्ट हमारे पास है जो टॉपिक हमारे पास रहेगा सम मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट टू रिजल्ट हम लेके आए हैं आज इस वीडियो के अंदर तो फर्स्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट रहेगा वो हमारे पास है साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी अगर आपके पास कोई दो फंक्शन यानी फंक्शन एक है और उसको टू टाइम लिखा गया है प्रोडक्ट में है वो फंक्शन साइन ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन ए माइनस बी इज़ इक्वल टू क्या होगा साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी यानी आप बोल सकते हो कि जो आपके पास आइडेंटिटी होती थी बेसिक स्मॉल क्लासेज में जैसे हमारे पास नाइन्थ और टेंथ के अंदर ए माइनस बी ए प्लस बी तो आप उसको राइट कर सकते हो स्क्यर प्लस बी स्क्र समथिंग इस टाइप से ही हमारे पास जो है वो टू आइडेंटिटी है अगर हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा साइन स्क्र ए माइनस साइन स्क्र बी और अगर हमें इसी फंक्शन को अनदर फंक्शन में चेंज करके हमें लिखना पड़े तो हमारे पास इक्वल होगा को स्केयर बी माइनस का को स्केयर ए तो ये तो था हमारे पास साइन के अंदर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूले रहेंगे सेम इसी टाइप से हमारे पास जो है कोस के अंदर हम लेके आए हैं कि सेकंड जो हमारे पास रिजल्ट है कोस ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ कोस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू कोस स्केयर ए माइनस का साइन स्केयर बी एंड इज़ इक्वल टू देखिए यहाँ पे जब हम इंटरचेंज की बात करते हैं तो यहाँ कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी है तो इसका फॉर्मूला बनेगा को स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी इज इक्वल टू को स्केयर बी माइनस साइन स्केयर ए तो हमारे पास ये दो रिजल्ट थे इन दोनों रिजल्ट के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो रहेगा वो हमारे पास है देखिए साइन टू एन प्लस वन ये हमारे पास क्वेश्चन है टू एन प्लस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास है साइन स्केयर एन प्लस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ़ ए माइनस का साइंस केयर एन ए तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट right साइड हमारे पास गिवन है तो हम राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड लेके हम किस चीज़ को प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे लेट सी देखते हैं क्या रहता है सोल्यूशन में राइट हैंड साइड हमने ली साइंस केयर एन प्लस वन इंटू ए माइनस साइंस स्क्यर एन ए सो देखिए यहाँ आपके पास आइडेंटिटी बन रही है साइंस केयर ए माइनस साइंस केयर बी ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था ये ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है तो हम इस आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो आप ये इसके इक्वल है तो आप इस जो हमारे पास लेफ्ट साइड में है इसको हम राइट साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं और राइट वाले को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं लेफ्ट साइड की फॉर्म में सो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है साइंस केयर ए और माइनस का साइंस केयर बी सो so राइट करेंगे साइन ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट और फिर हमारे पास साइन ए माइनस बी सो देखिए साइन स्क्र ए माइनस बी का अंदर हम क्या राइट करेंगे ए प्लस बी यानी एन प्लस वन इंटू में ए प्लस एन और ए प्रोडक्ट करवाएंगे साइन की फिर हमारे पास एन प्लस वन प्रोडक्ट ए के साथ में माइनस का एन और ए तो देखिए यहाँ आपके पास ए प्लस बी है और यहाँ पर आपके पास ए माइनस बी है अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो देखिए सिम्प्लीफाई करेंगे तब क्या रहेगा एन प्लस वन है इसकी ए के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा एन ए और एक की प्रोडक्ट वन से करवाएंगे तो ए आ जाएगा प्लस का एन ए साइन फंक्शन एज इट इज़ एक की प्रोडक्ट एन से करवाएंगे एन ए और एक की प्रोडक्ट वन से करवाएंगे ए के साथ माइनस का एन ए अब देखिए जो एन ए पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो कैंसिल हो जाएगा और जो एन ए डबल हो रहा है हमारे पास उसको आप क्या कर दोगे ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन टू एन ए प्लस ए प्रोडक्ट में ये जो एज इट इज बचा इस फंक्शन के साथ तो देखिए हमारे पास क्या आएगा साइन टू एन ए प्लस ए और प्रोडक्ट ऑफ साइन ए और यही हमारे पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड ठीक है तो हमने क्या किया राइट हैंड साइड ली और फिर हमने क्या शो कर दिया था लेफ्ट हैंड साइड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री प्रूफ करना है कोर्ट ए माइनस वन एंड कोर्ट बी माइनस वन इज इक्वल टू 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 सॉरी तो यहाँ हमें गिवन सिर्फ ये है कि ए प्लस बी आपको आंसर कोट में लेके आना है ठीक है लेट्स सी सोल्यूशन करते हैं तो देखिए गिवन क्या है ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री अब यहाँ हमारे पास आंसर में कोट है तो हम क्या करवाएंगे कोट से मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड सो so राइट करेंगे कोट ए प्लस बी एंड कोट फोर्टी फाइव डिग्री और कोट पैंतालीस डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होगी वन सो so हम राइट करेंगे कोट फोर्टी फाइव की जगह वन अब देखिए कोट ए प्लस बी जो हमारे पास लेफ्ट साइड में है उसको अगर हम सोल्व करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा कोट ए कोट बी माइनस वन डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोट बी अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जो हमारे पास वन है राइट right साइड में ये हमारे पास इसके इक्वल में है वन ठीक है तो हमारे पास इक्वल लिखेंगे वन इज इक्वल टू कोट ए इंटू कोर्ट बी माइनस वन डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोट बी अब देखिए आपके पास ये टर्म जो है वो डिवाइड में है अगर हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो प्रोडक्ट में होगा और वन के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा कोट ए प्लस कोर्ट बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा कोट कोर्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ कोट बी एंड माइनस का वन सो देखिए इस टाइप से हमारे पास ये टर्म हमारे पास बन गई है अब यहाँ से हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास ट्रम है जो हमारे पास ये ट्रम है इसको हम लेफ़्ट से राइट right लेके आएंगे माइनस वन को राइट right से हम कहाँ लेके जाएंगे लेफ्ट साइड के अंदर ठीक है माइनस वन को राइट right साइड से लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे। जो फंक्शन हमारे पास लेफ्ट साइड में है उसको हम राइट right साइड में लेके आएंगे सो so, देखिए क्या बन जाएगा इसके बाद में हमारे पास वन इज़ इक्वल टू कोट ए कोट बी यानी ये आपका एज इट इज़ फिर ये माइनस का कोट ए फिर ये माइनस का कोट बी कलियर अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होगा प्लस वन ऐड कर देते हैं बोथ साइड ठीक है कॉमन लेने के लिए यहाँ पे हमने वन ऐड कर दिया इस राइट साइड में और वन में ऐड किया वन तो टू हो गया ठीक है अब यहाँ से कोट ए कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा कोट ए बाहर आ जाएगा कोट बी और फिर माइनस का वन ये यहाँ से कोट ए से कॉमन लिया तो माइनस वन अब ये एज इट इज़ लिखा हमने कोर्ट बी प्लस वन क्लियर है अब फिर हमारे पास क्या होगा देखिए यहाँ से हमारे पास कोर्ट ए कॉमन लिया हुआ है कोर्ट बी माइनस वन अब यहाँ से हमने क्या लेना है कॉमन माइनस वन माइनस वन कॉमन लेने के बाद में क्या बनेगा कोर्ट बी माइनस वन ठीक है अब देखिए ये माइनस कोर्ट बी माइनस वन और कोट बी माइनस वन ये टू टाइम है टू टाइम है तो फिर अगेन क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास कॉमन लेंगे कोट बी माइनस वन रिमेन आपके पास रहेगा कोट ए और माइनस वन इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे क्लियर है तो कोट ए माइनस वन अब हमारे पास क्या आ जाएगा कोट बी माइनस वन इंटू में कोट ए माइनस वन इक्वल टू हमारे पास क्या है टू और यही हमारे पास है शो करना था कोट बी माइनस वन में कोट ए माइनस वन इज इक्वल टू टू देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था देखने में था ये तो अलग सा टाइप का लेकिन यही क्वेश्चन है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है देखिए इफ टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाइव इज इक्वल टू ए एंड कोट थीटा एंड कोट फाइव इज इक्वल टू बी देन प्रूफ ये करना है ये क्वेश्चन है ठीक है कोट थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू यहाँ ये इक्वल टू है वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी ये प्रूफ करना है भाई ठीक है हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेंगे और राइट साइड शो करेंगे सी सॉल्यूशन करते हैं देखिए कोट थीटा प्लस फाइव है अब जब आप कोट थीटा लिखते हो कोट थीटा लिखते हो तो कोट थीटा को क्या राइट कर सकते हो वन में टेंजेंट थीटा ठीक है तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा इस कोट के फॉर्म के अंदर मान लिया ये थीटा ही है कंप्लीट ठीक है तो हम लिख सकते हैं वन में टेंजेंट थीटा प्लस फाइव अब जिस भी क्वेश्चन में थीटा प्लस फाइव और साथ में टेन या कोट या कोस या फिर साइन चारों में से कोई एक है तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा यहाँ फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का सो फॉर्मूला क्या रहेगा देखिए यह टेंट थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू टेंट ए प्लस बी तो टेंजेंट ए टेंट बी अपॉन में वन माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी अब यहाँ से हमारे पास देखिए वन अपोन में है जब इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डिवाइड वन से कराएंगे तो ये ट्रम हमारे पास नोमोनेटर में चली जाएगी तो नोमोनेटर में जाने के बाद में आपकी ट्रम बनेगी वन माइनस का टेंजेंट थीटा फिर हमारे पास टेंजेंट फाइव डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाइव तो ये ट्रम बनेगी हमारे पास ठीक है अब इसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब ये देखिए ये ट्रम बन गई हमारे पास अब इसको आप क्या करें ये ट्रम बनने के बाद में ये जो डिवाइड में इसको आप सेपरेट करें एक बार तो वन के नीचे हमारे पास लिखें इसको फिर माइनस का साइन है फिर इसके नीचे हमारे पास राइट करेंगे ठीक है हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा रहे हैं तो हमने इसको इसके नीचे राइट कर लिया है अब देखिए वन में टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाइव अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा ये जो ट्रम है इसको हमने चेंज करके ये लिखा क्योंकि अगर हम एलसीएम लेते हैं मान ये कैसे आया ये समझो पहले तो यहाँ हमारे पास अगर मान लीजिए हमने लिया एल्शियम टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाइ तो क्या बनेगा तो हमारे पास बनेगा टेंजेंट फाइ या फिर थीटा प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा टेंजेंट का थीटा ठीक है ये इस टाइप से बनेगा लेकिन अगर ये फ्रैक्शन के नीचे हुआ क्योंकि ये तो वन के नीचे लिखा ना हमने तो वन के नीचे हुआ तो ये टर्म तो ऊपर चली जाएगी वापस और ये वापस क्या बन जाएगी स्टेटमेंट यानी इस स्टेटमेंट को आप ऐसे राइट कर सकते हो ठीक है तो इस स्टेटमेंट को कैसे राइट कर सकते हो वन अपॉइन में फिर आप राइट कर सकते हो वन में टेंजेंट फाइव प्लस वन में टेंजेंट थीटा क्लियर स्टूडेंट अब देखो जब आपके पास कोट फाइव होता है तो आप इसको राइट कर सकते हैं वन में टेंजेंट फाइव ठीक है अब ये सिचुएशन तो गिवन है तो उसको राइट कर सकते हो कोट फाइव में बात समझ में आ रही है ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सिचुएशन बनी हुई है इसकी जगह तो आंसर आएगा कोट कोर्टफाई और इसकी जगह आंसर आ जाएगा कोट थीटा सो देखिए हमारे पास क्या आंसर बनेगा वन अपॉन में कोट थीटा प्लस कोट कोर्टफाई अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये माइनस में है और ये ट्रम हमारे पास क्या है ये कंप्लीट ट्रम हमारे पास नीचे वाली ट्रम देखिए किसके इक्वल थी क्वेश्चन में चलते हैं वापस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है लगभग ये देखिए थिट्टा प्लस फाइव ए के इक्वल थिट्टा प्लस फाइव जो कोट में है वो बी के इक्वल है तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको हम पुट करेंगे ए तो ये वन बाई ए इसको हम बी पुट करेंगे तो वन बाई बी हमारा शो हो जाएगा इस टाइप से राइट हैंड साइड अच्छा क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन बन गया आपके पास ये ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर प्रूफ दैट टेंजेंट जन डिग्री इज इक्वल टू टू टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री सो so, देखिए यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड में टेंजेंट 70 है और राइट साइड में हमारे पास है टू टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20। सो so, लेफ़्ट साइड हम लेंगे देखिए टेंजेंट 70, टेंजेंट 70 को राइट कर सकते हैं 50 प्लस ट्वेंटी सो देखिए क्या बन जाएगा जब हमारे पास कोई भी फंक्शन टेंजेंट कोट या साइन और कोस में फंक्शन प्लस में दे रखा तो प्लस का फार्मूला बनेगा टेंजेंट एंड सेवेंटी का फार्मूला हमारे पास टेंजेंट जेंट फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सो देखिए फिफ्टी प्लस ट्वेंटी को हम क्या राइट करेंगे टेंजेंट फिफ़्टी प्लस टेंजेंट जेंट ट्वेंटी यानी टेंजेंट ए प्लस बी डिवाइड बाय वन माइनस का टेंजेंट ए और टेंजेंट बी इसके बाद में देखिए हम प्रोडक्ट करवाएंगे टेंजेंट एंट सेवेंटी की जो डिनोमिनेटर था वो हमारे पास लेफ्ट साइड में लेके आके प्रोडक्ट में हो गया तो टेंजेंट एंट सेवेंटी इंटो में वन माइनस का टेंजेंट एंट फिफ्टी प्रोडक्ट में टेंजेंट एंट ट्वेंटी इज इक्वल टू टेन फिफ्टी प्लस टेन ट्वेंटी अब यहाँ से टेन एंट फिफ्टी की सेवनटी की प्रोडक्ट करवाएंगे वन के साथ एक बार और फिर हम सेवेंटी की प्रोडक्ट करवाएंगे टेन एंड फिफ्टी और ट्वेंटी के साथ में राइट साइड एज इट इज है हमारे पास अब ये जो ट्रम हमारे पास नेगेटिव है देखिए टेन एंड सेवेंटी फ़िफ्टी और ट्वेंटी ये माइनस की है राइट साइड में लेके जाएंगे तो किस चीज़ की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी ठीक है उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है एक फंक्शन को चेंज क्योंकि हमें क्या लेके आना है टू टेन एंट फिफ्टी लेके आना है ठीक है तो हमारे पास सेवेंटी को क्या राइट कर सेवेंटी को हम राइट करेंगे टेन एंड नाइन्टी और माइनस का ट्वेंटी क्योंकि नब्बे में से बीस जाएंगे तभी तो सेवेंटी बचेंगे अब देखिए यहाँ लिखेंगे टेन एंड फिफ्टी एज इट इज़ ट्वेंटी एज इट इज़ सेवेंटी को हमने एज इट इज़ लिखा मतलब फंक्शन को चेंज करके फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि नाइन्टी माइनस ट्वेंटी हमने राइट किया है और फिर हमारे पास प्रोडक्ट में है टेन एंड फिफ़्टी एंड प्रोडक्ट ऑफ टेन एंड ट्वेंटी तो देखिए क्या बनेगा टेन एट फिफ्टी टेन ट्वेंटी और टेन से चेंज हो गया कोट ट्वेंटी इंटू में टेन जेट ट्वेंटी और टेन जेंट फिफ्टी एज इट इज़ है इसके बाद में देखिए हमने कोर्ट ट्वेंटी को राइट किया वन बाई टेन ट्वेंटी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा रिमेन हमारे पास क्या रहेगा टेन जैट फिफ्टी तो ये टेन जेट फिफ्टी और ये टेन एड फिफ्टी ठीक है और यहाँ ये प्लस में टेन जट ट्वेंटी तीनों टर्म को हम सोल्व करेंगे तो टेन एट फिफ्टी प्लस टेन एट फिफ्टी क्या हो जाएगा टू टेन एंड फिफ्टी और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा टेनजेंट ट्वेंटी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा शो हो जाएगा क्वेश्चन ठीक है तो आज हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है थ्री पॉइंट सिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए नोट करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है टेंज थीटा इंटू में टेंट थीटा प्लस सिक्सटी प्लस टेंट थीटा इंटू में टेंट थी माइनस सिक्सटी तो इसको आप सिंपलीफाई करेंगे लेफ्ट साइड को और राइट साइड में हमारा आंसर आना चाहिए माइनस थ्री ट्वेंटी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी सोल्व करके बताया है सिमिलरली इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पार्ट टू सोल्व करना है ट्वेंटी वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी सोल्व करना है एन में भी है आपके पास ये सेम क्वेश्चन ट्वेंटी टू है वो भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है और ट्वेंटी थ्री टाइप का क्वेश्चन हमने टेंजेंट कोर्ट uh, के अंदर सोल्व किया था और ये टेंजेंट के अंदर है ठीक है तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए प्रैक्टिस करनी है आपको आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू स्टूडेंट